हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइज, अभी धोए कपड़े और मैं एक्चुअली क्या होता है ना, भूल जाती हूँ कि व्लॉग शुरू करना तो मैं बैठ के बहुत देर चाय नाश्ता कर लिया और यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है एसी का, तो चाय नाश्ता कर लिया, उसके बाद मैं बैठी हूँ। मैं सोची यार अभी शुरुआत कर लेती हूँ सुबह से, क्योंकि फिर बीच में तो क्या होता है, बीच में टाइम ज़्यादा कभी कुछ कहीं निकल गया, कहीं कुछ निकल गया, टाइम मिलता नहीं है। और मैं अभी इस टाइम खड़ी हूँ गैलरी में, ये देखिए कितनी धूप निकल रखी है गैलरी के अंदर, और कोमल कपड़े धो रही है। और गाइस आप देख ही पा रहे मेरी चोटी, और मैं रात को भी चोटी करने लग गई हूँ। अच्छा लगता है, पहले मेरे को थोड़ा सा सर में दर्द हो जाता, मतलब पहले करती थी तो ऐसा लगता था, तकिए पे रखती थी ना तो पीछे से लगता था कुछ मतलब अड़ रहा है, पर अब फिर वही मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब कि चोटी वोटी कर लेती तो जो मुझे कम्फर्टेबल नींद अच्छी आ जाती है। और ये नहीं, कोमल आज कोमल की तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत खराब है, काफी दिन हो गए इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। काम भी बहुत करती है ना, इतनी मतलब एक दो दिन में इतनी मेहनत कर लेगी, फिर रात को बीमार पड़ जाती है, अगले दिन डाउन डाउन सी आती है, तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब चल रही है। फिर भी मैं आज को मना करा कि आज कपड़े मत धो अगर तबीयत खराब है, पर वो कह रही थी कल भी धोने आज भी धोने, तो भाई काम है और उसको काम की तरीके से लेती है। और मैं इसको बोलती हूँ तबीयत का ध्यान रखा कर, क्योंकि आगे इसने दो बच्चे भी भाई, उनको भी पालना है, काम ही करती नहीं रहेगी जिंदगी भर। ये देखो कोमल ने मशीन लगा रखी है, बस लगभग सारे कपड़े धुल चुके हैं, अब बस गैलरी में वो कपड़े डाल रही है, और कमरा ज़्यादा गंदा नहीं है, बस अभी सफाई वगैरह करी कोमल। ये देखो, ये गाइस मैंने कहा था ना कल झूला वगैरह ये रहा, और अभी बस कोमल कर लिया सफाई, तो उसके बाद इसी दीवार में रखवा दूंगी मैं इसके अंदर, इसी पलंग के अंदर है ना, इसी पलंग में रख देंगे। और एक दिन ना हमें, तो गाइस एक दिन टाइम मिलेगा ना, तो इसको भी इस जो अंदर वाला दीवार है ना उसको बिल्कुल सफाई करनी है। उसके अंदर मुझे ये नहीं पता कितने कपड़े क्या पड़े, क्योंकि अब अभी एक डेढ़ महीने बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम आ जाएगा, तो उसमें जैसे स्वेटर है वगैरह जो भी है वो सब छाटने हैं मुझे, और जो भी मेरे बाकी पजामे टी शर्ट ये सब रखे हुए हैं, तो ये भी देखना है कि क्या है, कौन सा सही है, कौन सा पहनने लायक है, कौन सा पहनने लायक नहीं है, वो सब थोड़े दिन जरा कोमल को टाइम मिल जाए, क्योंकि अभी दिवाली का भी वो थोड़ा बहुत मतलब कि सफाइयाँ वगैरह छोटा मोटा लगी पड़ी, और एक महीने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो गाँव भी जाएगी, अपने घर जाएगी, तो एक महीने के लिए तो ये भी ब्रेक आ जाएगा। अब देखते हैं उससे पहले करवाना है या दिवाली के बाद, दिवाली के बाद तो ज़्यादा जाएगा कोमल, लंबा है ना, तो देख कोशिश करेंगे कि हम शरादों में ही जो होते हैं उस बीच में इसको टाइम मिलेगा। स्कूल की छुट्टियां भी होंगी हाँ, तो जब इसकी हाँ तो स्कूल की छुट्टी होगी, जैसे इसके बच्चों की स्कूल की छुट्टी होगी, या फिर जैसे जहाँ मैंने आपको बताया था स्कूल के अंदर भी जाती है, तो अगर उसकी छुट्टी होगी तो उसी दिन फ्री होगी, तो मैं उसी दिन सारा काम करवा लूंगी इससे। और बस अभी कपड़े धो ले, उसके बाद मैं बर्तन मांजूंगी, क्योंकि पानी बचेगा तब ना बर्तन मांजूंगी, तो जितना पानी इसको यूज करने के लिए चाहिए, तो मैं इसलिए रुक जाती हूँ कि पहले ही अपने कपड़े धो ले, आराम से फ्री होके चली जाए, मैं तो बाद में भी कर लूंगी काम। बस मेरे बर्तन पड़े हुए हैं जो चाय नाश्ते के बर्तन है, और फिर मेरे को नहाना है, तो गैस मिलती हूँ जरा, ये थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ घर का। तो गैस नहाकर आई हूँ, और ना मैंने ना आज पजामा टी शर्ट नहीं पहना है, मैंने आप देख ही पा रहे हो, मैंने व्हाइट रंग का वाला जो लास्ट टाइम सूट मंगाया था ना, मैंने जो एक ही बार पहना है, इसको मैंने आपको बताया था कि इस पर दाग लग गया था, तो गलती मेरी थी, तो मैंने क्या करा था, एक वैनिश करके लिक्विड आता है जो कपड़ों में मतलब कि उसके जो कलर वलर होते हैं उसको हटाने के लिए होता है, तो मैंने ना आई वॉशरूम में गई, मतलब कि जब कलावे का वो लग गया था, तो मैंने ना मैं कह रही हाय ये तो दाग लग गया, तो बिल्कुल हटे गए, तो मुझे इतनी जल्दबाजी हुई कि मैंने वेट नहीं करा यार धुलाई में भी हो जाएगा, तो वैनिश पड़ा था, मैं गई लिक्विड डाला, डायरेक्ट लिक्विड डाला इसके ऊपर, मैंने गलती करी, वो जो पानी में करके डालते ना थोड़ा भिगोते वो करना चाहिए था, मैंने डायरेक्ट लिक्विड डाल दिया, और मैं इसको ऐसे 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 रगड़ी थी, ऐसे करके उसको पीले रंग को ऐसे रगड़ी थी, किस तरीके से साफ हो जाए, अभी तो मैंने एक बार पहना है, एक दो बार ही तो पहन ली थी तब जाके दाग लग जाता, तो बस ये कर रही थी, करते 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 वो हट नहीं रहा था, फिर मैंने ना थोड़ा सा उसको ऐसे करके ना, और मैंने वॉश भी अच्छे से नहीं करा, बस यूं लेके इसी में ऐसे ऐसे करके पानी डाला, और इसको फिर वो थोड़ा सा करके गीला करके, मतलब कि उस टाइम मैंने पूरा टाइम पहन रखा था सूट को, तो और वो लिक्विड जो था वो उसी के अंदर रमा रह गया जो जब होता है। अब अगले जब मैंने रात को सूट उतार के फेंक दिया, अगले दिन जब कोमल आई, जब उसने कोमल देखा कि दीदी ये क्या कर रखा है, जो ये ऑफ व्हाइट कलर है ना, तो ये हल्का सा यहाँ से बिल्कुल जो एक सफेद सा पॉइंट बन गया, बिल्कुल व्हाइट रंग का सफेद सा एक गुच्छा टाइप का ऐसे बन गया, बिल्कुल दाग अलग नजर आता है सफेद कलर का, तो कह रही आपने सूट खराब कर दिया, मैंने कहा हाँ यार ये सूट खराब, अब मेरे को लगा था उस टाइम कि पहनने लायक नहीं है, मैंने कहा एक काम कर इसको पूरा ही व्हाइट कर देते हैं, ऑफ व्हाइट से व्हाइट हो गया, तो हमने वैनिश लिया बाल्टी में डाला, तो हमने इसको पूरा डुबो के रख दिया, अब जाके ये ठीक हुआ है, और फिर भी मेरे को यकीन नहीं था, मैंने धोके डाल दिया था, तो उसको मैंने जब ये धोके आया तो मैंने इसको फोल्ड करा और मैंने इसको पीछे फेंक दिया कि मैंने व्हाइट कलर पहनना ही नहीं, मैं व्हाइट कलर मंगाती ही नहीं, उसी यही रीजन है कि इसमें दाग बहुत जल्दी लगता है।
अब मैं आज मैं अलमारी देख रही थी, मैंने कहा यार पजामा टी शर्ट पहनू, बस शाम को जो है सब्जी लेने जानी है। आज हमारे यहाँ ना मंगल बाजार लगता है, यहाँ पे फ्लैटों में लगता है, हमारे मंगल बाजार लगता है, बहुत अच्छा बाजार लगता है सब्जियों के मामले में, तो अच्छा है, मेरे को तो सही लगता है सब्जियों के मामले में बाजार। तो ये देखो ये जो एक गाइस मेरी ये जो उड़ उड़ के आती है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है। तो मंगल बाजार लगता है हमारे यहाँ पे, तो आज मेरे को सब्जी लेने जानी है। कल आपको मैंने बताया था ना, मैं कसूरी मेथी लगाई थी, घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, प्याज तो मैं ले आई थी 2 किलो लास्ट में, पर अंशु और मैं आज शाम को सब्जी लेने जाएंगे, तो मैंने सोचा सूट पहन लेते, पजामा टी शर्ट नहीं पहनती तो मैंने इसलिए आज ये सूट पहन लिया, और बाहर से सारे कपड़े उठा लिए। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैं कपड़े ज्यादा देर धूप में नहीं डालती, 2-2.5 घंटे बहुत होते हैं इनके लिए, इनफ है टाइम, और इतनी गर्मी के अंदर 2-2.5 घंटा बहुत होता है डालने के लिए, वरना कलर फेड हो जाता है। मैं बहुत केयर करती हूँ कुछ चीजों की, तो कपड़े अंदर कर रखे हैं, नहाकर आ गई हूँ, काम घर का हो चुका है, और अब अब मैं जा डे रही हूँ टाइम अपना भोजन की तैयारी करने, मतलब लंच, भूख लग रही है, कुछ खा लिया जाए, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस लंच कर लिया, मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, कमर को तोड़ लिया जाए, और अभी कुछ काम ही नहीं है, और जाना है शाम को बाजार, खाना भी शाम को बनाना है, अभी बनाना नहीं है, अभी तक का तो हो गया। और गाइज एक बात और बता दूँ आपको, जो मैंने कल पेड़ दिखाया था, जो झुक रहा था पेड़ बहुत ज़्यादा, वो पेड़ मैंने जो आपको कहा था कि पीपल का पेड़ है, वो पीपल का पेड़ नहीं है, वो बरगद का पेड़ है। अभी मेरी सिस्टर की से बात हुई थी तो वो बोले कि सुन दी थी, वो पीपल का पेड़ नहीं है, वो बरगद का पेड़ है। तो मैंने कहा मैं तो कई लोगों को सुनते कहते हुए सुना, और मैंने भी मतलब इसको मैं पीपल का पेड़ ही समझती हूँ, क्या ये पीपल के पेड़ उसके पीछे वाली पीछे है। तो मैंने कहा फिर वहाँ पे वो तेल का दीवा क्यों जलाते, क्योंकि था ना शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे जाके वो तेल का दिया जलाओ, तो वहीं पे चलता है, कहीं नहीं वो उसके पीछे है, तो वो आगे के साइड मतलब वो दीवा वगैरह वहां पे रखते हैं। तो मैंने चीज कोई बात नहीं, तो मैंने कहा मैंने ब्लॉग में तो बोल दिया कि वो पीपल का, तो कह रही किसी को क्या पता लगेगा, फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि वो बरगद का पेड़ है। तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो गाइस अब हो चुका है पूजा का टाइम, और शाम के टाइम करूंगी पूजा, और मंदिर में हो रहे भजन कीर्तन। यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे छठी वगैरह, मोना दी का ही फोन आया था तो बोली थी आज ही बट रहे कढ़ी चावल, और तूने कल बना ली, बट मैंने पूछ के करी थी, तो मैंने मंदिर भैया में मैंने कल लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में बिठा दिया था, तो और अब मैं जा रही पूजा करने। और आप अभी सुनाओ, आपको इतनी देर से बस मैं भजन सुनने जा रही थी कि मंदिर से आवाजें आ रही थी भजन भजन की, तो वो सुन रही थी, और अब बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, अब मैं जा रही दीवावाती करने के लिए, उसके बाद खाना बनाऊंगी, नहीं तो फिर देखूंगी जैसा भी होगा, वैसे तो खाना बना के जाऊंगी, सब्जी बना जाऊंगी, आके रोटी बना लूंगी। 8 बजे तक अंशु कह रही है, 8 बजे तक सोन दीदी चलेंगे, क्योंकि इवान को पकड़ लेंगे ना, विजय आ जाएगा जब तक, तो इवान को लेके तो नहीं जाएंगे मार्केट, मेरे बस का तो है नहीं उठाना, अंशु उठाती है अकेली, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं विजय आ जाएगा तब चल लेंगे। आई आवाज नहीं आ रही होगी, भजन चल रहे हैं मंदिर में, मैं बहुत देर से यही सुन रही हूँ, बैठी भी हूँ, और बस अभी जब जाऊंगी मार्केट तब आज आपको पूरी मार्केट दिखाती हूँ। तो गाइस पूजा हो गई है, और अब जाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटा बैठ के मंदिर, ओ सॉरी देखो दिमाग कहाँ जा रहा है, अब मैं जाऊंगी मार्केट सब्जी लेने। तो गाइस मैं सब्जी लेने के लिए निकल चुकी हूँ, और अंशु मेरा वेट कर रही है, देखो खड़ी हुई है बेचारी, पता नहीं मुझे 5 मिनट हो गया उसका फोन आए हुए, और ये खड़ी हुई मेरा वेट कर रही है। मेरे हाथ में ना केले थे, दो प्रसाद के लिए जो केले रखे थे ना वो थोड़े गल गए थे, तो मैंने चल गाय को खिला दूँ है, तो हम दोनों जा रहे हैं सब्जी लेने। अरे यार वो टॉयलेट आ जाता है यार, वो टॉयलेट करके केले हाथ में थे तो वो फेंकती भी आई, मैं गाय खा लेगी। तो गाइज हम लोग सब्जी लेने आ गए हैं, पर अभी ना घर की भी लेनी थी मम्मी पापा की, क्योंकि पापा बोल गए थे अंशु को कि भाई सब्जी घर की भी ले लियो, तो अभी वो फ़ोन करके पूछ रही मम्मी को क्या क्या लेना है सब्जी में, क्योंकि हमारे ना पापा की तरफ ना अच्छी मतलब नहीं मिलती है, मिलती है महंगी मिलती है थोड़ी सब्जी, यहाँ पे थोड़ी सस्ती मिलती है, तो अभी हम दोनों सब्जी ले लेते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए हैं, आलू प्याज ये सब्जी पूरी देख लो, ये वहाँ तक मार्केट लगी हुई है, काफ़ी लंबा बाजार लगा हुआ है, चल ना ये देखो काफ़ी सारा लंबा बाजार लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखो ये पहले ना सामने भी लगता था, पर लॉकडाउन के बाद से ये सारा हट गया, उधर पट्टी लगी हुई है कम लगी हुई है। तो गाइज अभी मैं फोन लेके चलूंगी तो मैं सब्जी नहीं ले पाऊंगी, तो मैं पहले सब्जी ले लेती हूँ, पर ना लोग देखेंगे वीडियो को बना रही है, तो गाइज मैं सब्जी लेके फिर घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। क्या क्या टेम्पर, अरे मोबाइल टेम्पर कह रही है क्या, अंशु ना इसका टेम्पर यहाँ पे, टेम्पर की भी थी तो इसकी आई थी, काफी दिन से गई थी कि दीदी तुम जाओगी तो करवा देना, अब टेम्पर ले रहे तो मैं भी अपने मोबाइल का कवर ले लेती हूँ, अंशु ने भी कवर ले लिया है, अरे और ये मेरी ये चीज़
ये मतले ट्रांसपेरेंट मतले पीला पड़ जाएगा ये। मेरे बाल खराब कर देता है ना। हाँ भैया वो मुझे भी दिखा देना। तो गाइस अब कवर ले लेते, सब्जी तो भी ली नहीं हमने। और आगे सारी कपड़े वगैरह सब कुछ लगता है। और ये कीचड़ हो रखी है, देखो कितनी कीचड़ है। और सामने भी पूरा बाजार लगा, काफी अच्छा खासा बाजार लग जाता है यहाँ पे। तो गाइस सब्जी लेके घर पे आ गई हूँ और कंधे दुख गए सब्जी के थैले पकड़ पकड़ के। और पसीने इतनी बुरी हालत, कमर से बिल्कुल पसीना बह रहा था। और अंशु चले गए वहाँ पे सब्जी लेके और मैं अपने आ गई और थैला पटका। इतनी गर्मी, पहले मैंने कहा पहले हवा खा लूँ फिर कुछ करूँगी, सब्जी लगाऊंगी फ्रिज में लगाऊंगी। और लेकर आ गई मैं, बीच में तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। अभी तो एक दो हफ्ते से मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि अब खा रही हूँ तो ला रही हूँ। पहले मैं खाती नहीं थी, मिल गया मिल गया, नहीं मिल गया नहीं मिल गया, बना लिया बना लिया, नहीं बना लिया, ऐसा चल जाता। रात की बच जाती तो खा लेती थी। अब आजकल मैं बना लेती हूँ कि खाना खा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर आपको बीच में होता था कि बाहर जाके खा लिया, कहीं इधर खा लिया। तो गाइस अब ब्लॉग को एंड करने का समय हो चुका है और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय।